लाइन डाली जा रही है, उससे पहले सीवर की लाइन डाली जा रही है, अनेकों लाइनें डाली जा रही हैं, ये हमारा दुर्भाग्य। जबकि एक साल पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए और अलकनंदा घाट पर बहुत बड़े विस्तार से इसका भूमिगत लाइन का उद्घाटन करा गया, लेकिन उनके बाद सड़कें यहाँ बन रही हैं, पैसे की बंदरबाड़ होने के अलावा कुछ नहीं है। विधायक निधि हो, राज्यसभा सांसद निधि हो या अन्य निधियाँ हो, उसकी सिर्फ बंदरबाड़ करने पर यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक अधिकारी लगे हुए हैं। उनको जनता से कुछ फायदा नहीं है, जनता के लिए एक सोचते नहीं है। उनको तो अपना पेट कैसे भरना है, अपना फायदा कैसे देखना है, वो सिर्फ इसके लिए सोचते हैं। जनता त्रस्त है, जनता त्राही त्राही कर रही है। आप कल देख रहे हैं कि शादी ब्याहों का सीजन चल रहा है, सड़कों पर गड्ढे गुड्ढे खुदे पड़े हैं, जबकि आए दिन सड़कों के ऊपर बरातें निकलती रहती हैं, लेकिन जनता त्रस्त है। यहाँ के अधिकारी, मंत्री, नेता सब, केंद्रीय मंत्री से लेकर स्थानीय मंत्री तक, सरकार निकम्मी हो चुकी है। बहुत ही चिंता और परेशानी का विषय है कि सारी सड़कों को खो दिया गया है, और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जो सड़कें 20-20 साल बाद बनाई गई हैं, अभी बनी हैं, उन सड़कों को भी पूरे गड्ढों से कर दिया गया है। और सड़कें खुदने के बाद सड़कें जुड़ने वाली नहीं है। हमें पता है, हम लगातार यहाँ रहते हैं, सालों से यहाँ के काम को देखते आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि सरकारी डिपार्टमेंटों में आपस में जरा भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज वो सड़क बना के गए हैं, कल को सड़क खोद दी जाएगी भूमिगत लाइनों के लिए, कल वो भूमिगत लाइनों के लिए भरी जाएगी, परसों से गैस पाइपलाइन वाले खोद देंगे। जबकि आपको पता है इस कार्य की घोषणा आज से एक साल पहले हो चुकी थी, उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कें जो है बनाई गई। अभी 2 महीने पहले बिल्कुल नई बनी सड़क, जो कि 20 साल बाद हमारी कॉलोनी में बनी है, उस सड़क को आज पूरी तरह से खोद दिया गया है। उसके बाद ये सड़कों खोद के मिट्टी को बाहर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे मेरे पीछे पूरा ट्रैफिक, पूरी सड़क, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली सड़क रानीपुर मोड़ व्यस्तम इलाका है, यहाँ पे इतनी दिक्कत लोगों को हो रही है, आने जाने वाले को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो है कार्य जो है गतिमान है, और पहले तो ये है कि HDPE पाइप ले की जा रही है, फिर उसके बाद जो है उसमें केबल ले की जा रही है, तो कार्य जो है पूरे कुंभ क्षेत्र में गतिमान है। तो जो भी समस्या आती है साइट पे, वो कोऑर्डिनेशन करके जिस भी विभाग से होता है, वो समस्या का निराकरण कर लिया जा रहा है साइट पे। अभी कंप्लीट पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि 46% जो काम है वो पैकेज ए, पैकेज बी, दो पैकेज हैं, उसके 46% के लगभग जो है पाइप लेइंग और केबल लेइंग का कार्य किया जा चुका है पैकेज ए में। पैकेज बी जो है उसका 7% है।